आपकी भी मुस्कुराहट कहीं खो गई है? तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या पता आपकी खुशी के ताले की चाबी यही मिल जाए आपको। तो ध्यान से सुनिएगा और ढूंढ निकालिएगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत है, घर है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी मन में वो खुशी नहीं है, चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं है, जो अक्सर एक झोपड़पट्टी वाले के भी चेहरे पर दिख जाया करती है। तो चलिए आज आपकी इस मुस्कुराहट को ढूंढ निकालते हैं। कैसे? मेरी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के साथ, कुछ टेक्निकल टिप्स के साथ और अंत में एक दमदार महा उपाय के साथ। जब कभी भी हम अपनी लाइफ में डीमोटिवेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। वो हमें बताते हैं कि लाइफ में खुश कैसे रहना है और फिर हम उनकी टिप्स को फॉलो करते हैं और खुश भी रहने लगते हैं। लेकिन कब तक? एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, बस? उसके बाद फिर से जैसे ही कोई झटका आता है, हम वापस अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन के दलदल में गिर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, सब छूट जाता है वहीं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने स्पेस को, यानी कि अपने घर को किस तरह से प्रोग्राम करना है, जिससे कि ये जो मोटिवेशन आप ले करके आते हैं ये परमानेंटली टिक जाए। अब एटीट्यूड तो थोड़ा बदलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कर्म तो खुद ही करना है ना? तो मैंने सोचा कि आज आपको टेक्निकल के साथ साथ थोड़े से व्यवहारिक उपचार भी दे दूं। तो चलिए व्यवहारिक उपचार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप इस बात से दुखी हैं कि आपके पास धन दौलत नहीं है, तो उनसे पूछा ये जिनके पास है कि क्या वो खुश है? जवाब में ना ही मिलेगा। तो इसलिए जो भी मिला है ना, उसके साथ खुश रहना सीखिए। क्योंकि जब हम खुश होते हैं ना, तो हमारे डिसीजन सही होने लगते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। अब दूसरी बात, यदि आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, तब क्या करेंगे? तो आप ऐसा कीजिए कि उस इंसान में जो भी आपको पॉजिटिविटी दिखती हो, जब भी कभी उसने कुछ अच्छा किया हो आपके साथ, तो उन पलों को याद करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि वो इंसान इतना भी बुरा नहीं है और धीरे धीरे आपको उसकी पॉजिटिव साइड दिखने लगेगी और आप उसे पसंद भी करने लगेंगे और आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि अक्सर जिस जीवन में हम शिकायतें निकाल निकाल के जी रहे होते हैं ना, वो किसी का सबसे खूबसूरत सपना होता है। तो बस मेरे इन छोटे छोटे प्रैक्टिकल रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं ना, तो बड़े बड़े संकट यूं पार लग जाते हैं। अब खुश रहने की मोटिवेशन तो मैंने आपको दे दी, अब इसे परमानेंट करने के लिए आपको कुछ वास्तु उपचार भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम तीन दिशाओं को मुख्यतः देखेंगे। पहली दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा। इस दिशा को हम खुशी की दिशा भी कहते हैं। यहाँ पर यदि टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, येलो कलर या फिर व्हाइट कलर आ जाए, या फिर डस्टबिन आ जाए या वॉशिंग मशीन आ जाए, तो फिर मन खुश नहीं रहता। और दूसरी दिशा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा, ये डिप्रेशन से संबंधित दिशा है।
इस दिशा में यदि घर का मुख्य द्वार आ जाए, यानी कि मेन गेट आपके घर का, प्लांट्स आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए, या फिर किचन आ जाए या रेड कलर आ जाए, तो डिप्रेशन की समस्या हो जाती है। और डिप्रेस्ड आदमी कैसे खुश रह सकता है। और तीसरी दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा एंजाइटी से रिलेटेड है। ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा में यदि कोई फायर एक्टिविटी हो, यानी कि किचन हो या फिर रेड कलर हो, तो गुस्सा आएगा, एंजाइटी होगी। और इस स्टेट में भी आप खुश नहीं रह सकते। तो ये तीनों दिशाएं आपको हमेशा संतुलित करके रखनी है। अब उपचार कैसे करेंगे? तो यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट है तो क्या करेंगे? देखिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ना, यहाँ सारे ट्रीटमेंट आपको ग्रीन कलर से करने हैं। कोई एंटी कलर है तो ग्रीन कलर लगा दीजिए दीवारों पे, या फिर ऑफ वाइट भी लगा सकते हैं। टॉयलेट है तो उसे 4 इंच की ग्रीन टेप से ट्रीट करना है। डस्टबिन रखना पड़ रहा है तो ग्रीन कलर का रखिए। वॉशिंग मशीन रखनी पड़ रही है तो उस पे ग्रीन कलर का कवर लगा दीजिए। और यदि गैस का चूल्हा आ रहा है तो उसके नीचे हरे रंग का पत्थर रख दीजिए। बस हो गया समाधान। और ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है, इस दिशा में यदि गैस का चूल्हा आ रहा है या कोई भी फायर एक्टिविटी आ रही है तो उसके नीचे आप हरे रंग का पत्थर रख दीजिए। यहाँ भी ग्रीन कलर से ही ट्रीटमेंट होगा। दीवारों पे कोई एंटी कलर्स है तो उन्हें भी ऑफ वाइट या फिर लाइट ग्रीन करा दीजिए। बाकी डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, ये सब यहाँ पर एंग्जाइटी को रिमूव करने का काम करते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्लांट्स यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्लांट्स इस दिशा में होते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है। और थर्ड डायरेक्शन जो डिप्रेशन की है, वहां पर क्या करेंगे? अगर गैस का चूल्हा है तो उसके नीचे पीले रंग का पत्थर लगा देंगे। प्लांट्स हैं तो उसे दूसरी दिशा में शिफ्ट कर देंगे। और एंटी कलर्स हैं, यानी कि रेड कलर या फिर ग्रीन कलर, तो उन्हें हटा करके आप व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट कर सकते हैं। और यदि आपका मेन डोर इस डायरेक्शन में आ रहा है, डिप्रेशन की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका मेन डोर आ रहा है, तो एक 4 इंच की व्हाइट कलर की टेप से आप उसको ट्रीट करें। बस तो ये हो गए सारे आपके समाधान। तो अब चलिए अंत में आपको एक दमदार सा महा उपाय दे देते। घर में एक पिक्चर गैलरी लगाने का शौक तो सबको ही होता है कि हम अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स कहीं पर लगाएं। तो ये जो दिशा है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा, यानी कि खुशी की दिशा, इस दिशा में यदि आप पिक्चर्स लगाएंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। यहाँ पर आप अपनी कपल फोटो लगा सकते हैं, अपने परिवार की फोटो लगा सकते हैं, अपने दोस्तों की फोटो लगा सकते हैं, जिस किसी की भी चाहे फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर कोई परेशान कर रहा है ना, जैसे कोई फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव है, परेशान सा कर रहा है, तो उसकी फोटो भी यहाँ लगा लीजिए, तो उससे भी खुशी आनी शुरू हो जाएगी। और जब भी आप घर में फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर के आए तो उसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही रखें। यहाँ पर अगर बेडरूम होगा तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बिल्कुल मत बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगी है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।